हूँ, यह मौका कोई तकरीर का नहीं है और कोई कंपटीशन का भी नहीं है कि मेरा ग्रुप बड़ा है या तेरा ग्रुप बड़ा है। कमिश्नर साहब और दूसरे हमारे यहां से गए डीसीपी कमिश्नर साहब और डीसीपी साहब, बहरहाल दो कमिश्नर और डीसीपी बैठे हुए हैं। ये मसला यहां पर जिस तरह अमन के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, जिस तरह अमन के मसले पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, उसी तरह अहले सुन्नत के पास सहाबा-ए-इकराम और खुलफा राशिदीन के मसले पर कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। अब अगर आप बात कर रहे हैं, बात जब से अमन की अमन की अमन, हमारे से क्या अमन है? अमन उन्हें कायम करना चाहिए, गलती उन्होंने की, अमन उनको कायम करना चाहिए। पुलिस क्या करती है हम भी देख रहे हैं। दूसरी बात यह है कि बुनियादी बात कि भाई आपने मिस्टर एक्स को पकड़कर संजीदा रिमांड कर दिया, लेकिन यह सिलसिला कोई समझिए कि रुकने वाला नहीं है, यह अकीदे का मसला है। अगर अमन की बात है तो पूरी जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूं, तहरीक मुस्लिम शब्दान के सदर की हैसियत से कह रहा हूं कि अगर अमन की बात है तो शिया उलमा और जाकिरीन ये बात का ऐलान करे कि ये बदबख्त जो बात किया है उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है और आइंदा से कोई ऐसी हरकत हमारी कम्युनिटी के ताल्लुक से नहीं होगी। ये बात पब्लिकली आना चाहिए। ये बात कमिश्नर साहब ने कही कि भाई सुन्नी और शिया में इत्तेहाद होना चाहिए, सुन्नी तो हर वक्त इत्तेहाद ही करता और सुन्नी हर वक्त मुत्तहद ही रहता है, कोई झगड़ा सुन्नी के दरमियान नहीं है और अकायद के मसले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। शिया जाकिरीन की भी मीटिंग कमिश्नर साहब कंडक्ट कर रहे हैं, शिया उलमा की मीटिंग भी कंडक्ट कर रहे हैं। बहरहाल बात यह होनी चाहिए जिस तरह हम कह रहे हैं कि भाई अमन कायम है जबकि हमारा दिल दुखा हुआ है और इस पर हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। आप बोलेंगे कॉम्प्रोमाइज करो तो ये हम कॉम्प्रोमाइज करने का मसला नहीं है, ये मसला हमारे अकीदे और ईमान का मसला है और ईमान के मसले में कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। मैं यहां कोई मजहबी बात करना नहीं चाहता। तो ये कि शिया जाकिरीन और उलमा इस मसले पर ये ऐलान करे कि जो बदबख्त ने जो बात कही है वो बात समझिए कि हमारी कम्युनिटी उसको रिजेक्ट करती है और आइंदा से कोई ऐसी बात नहीं होगी, बस इतनी ही इतना ही तयक्कुल हम शिया जाकिरीन और उलमा से चाहते।